हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी ने पोको एक्स टू का अनबॉक्सिंग तो देख ही लिया होगा। तो आप सभी को, अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा होगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसका अनबॉक्सिंग भी जाके देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोको एक्स टू का फुल कैमरा इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। आप सब देख रहे हो दोस्तों, मेरे पास में दो मॉडल रखे हुए हैं। पहला है रेडमी नोट 7 प्रो, दूसरा है पोको X2। हाँ दोस्तों, अब दोनों के कैमरे के अंतर क्या है कि इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर मिलता है, जबकि पोको X2 में आपको 64 मेगापिक्सल का आपको रियर सेंसर मिल जाता है। इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है। दोस्तों, मैंने रेडमी नोट 7 प्रो का कैमरा रिव्यू तो आप सभी के लिए कर ही दिया है, तो जस्ट मैं आपको बता रहा कि दोनों के अंदर आपको ग्लास बॉडी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दोस्तों, सामने के फ़ोन होते हैं वो बहुत ही अच्छे ग्लास बॉडी के साथ नहीं आते, उसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MIUI का जो यूज़र इंटरफेस है एज़ कम्पेयर टू अदर यूज़र इंटरफेस के मिड रेंज के अंदर बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस है। तो अगर आप एक यूज़र इंटरफेस के अंदर एक फ़ोन लेना चाह रहे हो एक अच्छे प्रोसेसर के साथ में, तो पोको X2 आप सभी के लिए बेहतर है। पर दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि इसके बहुत सारे कॉन्स हैं। सबसे पहला दोस्तों, मैंने कॉन्स बताया था कि इसका वेट बैलेंस, इसका वेट बहुत ही हैवी फ़ोन लगता है दोस्तों। लगभग में 210 ग्राम का ये फ़ोन है दोस्तों, तो पकड़ने में बहुत हैवी लगता है। पर दोस्तों, फिट एंड फिनिशिंग की बात करूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो A1 है दोस्तों। मैंने पोको F1 भी यूज़ किया हुआ है और पोको X2 भी यूज़ किया हुआ दोस्तों। जैसे कि आपने मेरे वीडियो के अंदर देखा होगा दोस्तों, मैंने पोको F1 भी यूज़ किया था और अब मैं पोको X2 यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जो पोको X1 है दोस्तों, इसका फुल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू आप सभी के लिए लाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 20+2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेंसर आपको मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब में जाकर गिकी रिकी को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर दोस्तों आपको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है तो पोको X2 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आज मैं अपना ओपिनियन बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस फ़ोन को लगभग मैं लास्ट एक मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि अगर आपको एक बजट 15 से 20 हज़ार रुपये है तो आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो मेरा ट्रू ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में आपको दे दूंगा। अब दोस्तों, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्वालकॉम 730G प्रोसेसर के साथ में आने वाला पहला स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको अच्छा ऑक्टा कोर CPU मिल जाता है, ये आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है और MIUI 11 आपको मिल जाता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। वो आपने इसका रिव्यू नहीं देखा दोस्तों तो मेरे गिकी रामू चैनल पे जाके इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू आप देख सकते हो कि इस फ़ोन के अंदर मैंने फुल रिव्यू आपको दिया था। पर दोस्तों, मैं कैमरा के रिव्यू के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर आपको किस तरह का आपके फुटेज मिलती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं इसके रियर और फ्रंट फेसिंग कैमरा से, सबसे पहले आप उसको चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद में हम मेरे ओपिनियन की बात करेंगे कि इसका कैमरा एक्चुअल में कैसा कैमरा है। तो सबसे पहले दोस्तों, पोको X2 के आप रियर फेसिंग और फ्रंट फेसिंग कैमरा का कुछ फुटेज देख लीजिए और कुछ वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में हम इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका फुटेज आप देख लीजिए। जो फुटेज लिया गया दोस्तों, रियर फेसिंग सेंसर के नॉर्मल मोड से लिया गया है। अब दूसरा दोस्तों, फोटो ये मैक्रो मोड के अंदर इस फुटेज को मैंने लिया है, तो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है। ये दोस्तों, जो फुटेज लिया गया है मैक्रो मोड के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल के रियर सेंसर से लिया गया है। ये दोस्तों, मूवी मोड के अंदर मैंने रियर फेसिंग सेंसर से इस फोटो को लिया है। अब दोस्तों, नॉर्मली फोटोग्राफी मैंने AI ऑन करके इस फोटो को मूवी मोड में लिया है। अब दोस्तों, नॉर्मली जो F2.1.0 अपर्चर के साथ में मैंने मूवी मोड के अंदर इस फोटो को लिया है। F2.6 के अपर्चर के साथ में दोस्तों इसको मैंने मूवी मोड के अंदर लिया है। अब दोस्तों, ये फुटेज देख रहे हो दोस्तों, मैक्रो मोड के अंदर मैंने रियर फेसिंग सेंसर से लिया है। जो फोटो शूट किया गया दोस्तों, मैंने HDR ऑन करके इस फोटो को मैंने लिया है। अब दोस्तों, जो फोटो है 64 मेगापिक्सल के रियर अल्ट्रा वाइड सेंसर से लिया गया है। अब दोस्तों, ये रियर फेसिंग सेंसर से मैंने ह्यूमन सब्जेक्ट्स को ओपन किया है, तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये नॉर्मली दूसरा मैंने फोटो लिया गया है। अब दोस्तों, जो नॉर्मली फोटो मैंने मूवी मोड से अंदर रियर फेसिंग कैमरे से एक फोटोज को लिया था, तो आप देखते हो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी मिल जाती है। मैंने नाइट पोर्ट्रेट के अंदर इस फोटो को लिया था, तो बहुत ही अच्छे से नाइट मोड भी अब यूज कर सकते हो। दोस्तों, ये फ्रंट फेसिंग के सेंसर से मैंने आपको मूवी मोड के अंदर इस फोटो को लिया है, जो पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है। अब दोस्तों, ये पोर्ट्रेट मोड में इस फोटो को लिया है। अब इंडोर कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो कलर टोन की बात करें तो बहुत ही अच्छी आपको मूवी मोड के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मली मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर इसको मूवी मोड में लिया गया है। हे गाइस, ये जो वीडियो शूट रहा है 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में शूट रहा है, आर्टिफिशियल लो लाइटिंग कंडीशन में दोस्तों इस वीडियो को शूट करके आपको बता रहा हूं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा दोस्तों इसका आपको वीडियो क्वालिटी कैसा लगा। आप सब देख रहे हो
दोस्तों, इसका अगर मैं फोकसिंग स्पीड की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा फोकसिंग स्पीड आपको मिल जाता है। देखिए कोई भी चीज़ को अगर फोकस करना है दोस्तों तो इजीली फोकस ये कर लेता है। दोस्तों 64 मेगापिक्सल के रियर सेंसर से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको 4K 30 फ्रेम पर सेकंड और फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो। ये दोस्तों जो वीडियो शूट हो रहा है फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड में, आपको आर्टिफिशियल लो लाइटिंग कंडीशन में शूट हो रहा है, तो आप सब देख रहे हो दोस्तों आपको वीडियो क्वालिटी कैसा मिला, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आर्टिफिशियल लो लाइटिंग कंडीशन में आपको इसका पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसा मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैं इसको वीडियो को चल के शूट कर रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ा फास्ट चल के शूट करता हूँ दोस्तों, तो आप मुझे जरूर बताएगा स्टेबिलाइजेशन आपको इस वीडियो के अंदर कैसा मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको व्लॉगिंग मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर कोई 10-12 सेकंड का व्लॉगिंग मोड का वीडियो शूट करना है तो आप इससे जरूर शूट कर सकते हो। दोस्तों आप फोकसिंग स्पीड की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी फोकसिंग स्पीड दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाती है, तो कोई भी चीज़ को अगर फोकस करना दोस्तों तो इजीली फोकस करके आपको अच्छा एक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दे सकता है। तो अगर आपको दोस्तों इस फोन को लेना है तो इसके अंदर आप जरूर ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आपको 720 पे वीडियो शूट करना है दोस्तों तो भी आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि आर्टिफिशियल लो लाइटिंग कंडीशन में आपको किस तरह का वीडियोग्राफी मिल जाता है। तो दोस्तों अब आउटडोर कंडीशन में जाके फुल HD में वीडियो शूट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने पोको X2 का कैमरा तो देख ही लिया होगा, कैमरा का फुल आपने कुछ फुटेज मैंने इसके रियर सेंसर और फ्रंट फेसिंग सेंसर से दोनों से कुछ फुटेज लिए, आपने फुटेज देख लिया होगा, तो आप मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको इसका पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसा लगा। अब दोस्तों मेरी ओपिनियन की बात करते हैं, इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको पीछे मिल जाता है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो डिटेलिंग आपको बहुत ही अच्छी इसके अंदर आपको मिल जाती है। जैसे कि आपने किसी भी फोटो के अंदर देखा होगा, मैंने शेडो इफेक्ट में लिया था, मैंने इवनिंग के अंदर कुछ फोटोज लिया था दोस्तों, तो इसकी जो फ्रंट फेसिंग कैमरे से पिक्चर क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी मिल जाती है, इसके अंदर आपको डिटेलिंग देखने मिलती थी। अगर आप कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट को इस के रियर सेंसर से फोकस करते हो दोस्तों तो उसके अंदर आपको अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, प्लस कलर बुकस्टिंग का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता, जो एक्चुअल में नेचुरल क्वालिटी होनी चाहिए स्क्रीन की दोस्तों वही आपको रियर सेंसर प्रोवाइड करता है। और फ्रंट फेसिंग सेंसर दोस्तों 20+2 मेगापिक्सल का सेंसर इसके अंदर आपको दिया हुआ है। फ्रंट फेसिंग सेंसर में दोस्तों बात करें तो बहुत ही अच्छी आपको पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है। इसके अंदर दोस्तों आपको मूवी मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। हाँ दोस्तों, अगर आपको मूवी मोड का ऑप्शन लेना है, सिनेमेटिक टाइप का आपको शूट लेना है दोस्तों, तो आपके इसके रियर सेंसर से आप सिनेमेटिक और फ्रंट सेंसर भी सिनेमेटिक शॉट आप ले सकते हो दोस्तों। इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का रियर सेंसर दिया है, जिसके अंदर आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो, फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो और 720p 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो। इसके फ्रंट फेसिंग सेंसर से दोस्तों आप लगभग में फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों व्लॉगिंग मोड का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों व्लॉगिंग मोड का ऑप्शन एक्चुअल में क्या करता है कि जैसे कि आपको 12 सेकंड या 10 सेकंड का कुछ व्लॉगिंग टाइप का एक टिकटॉक के लिए कुछ वीडियो शूट करना है दोस्तों, तो आप इसके व्लॉगिंग मोड से टिकटॉक या किसी टाइप का वीडियो शूट कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर आपको HDR मोड का भी ऑप्शन दे दिया है, तो कुछ मैंने फुटेज भी HDR मोड को ऑन करके लिए थे, तो आपने पिक्चर क्वालिटी में देखा ही होगा कि किस तरह का आपको वीडियो मिल जाता है। अब दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ इसके कैमरा के रिगार्डिंग में, इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों इससे बेहतरीन कैमरा आपको किसी के अंदर नहीं मिलने वाला है। जैसे कि रेडमी नोट 9 प्रो तो लॉन्च हुआ है दोस्तों, उसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर मिलता है, जबकि इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का रियर सेंसर मिल जाता है। डिटेलिंग की बात करूँ दोस्तों, पिक्चर के अंदर आपको फ्रंट और रियर फेसिंग सेंसर के अंदर बहुत ही अच्छी डिटेलिंग आपको पिक्चर क्वालिटी में मिल जाती है। जैसे कि आप ह्यूमन सब्जेक्ट को फोकस करते हो या किसी भी नॉर्मली आउटडोर कंडीशन में फोकस करते हो या इंडोर कंडीशन में दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। रियर फेसिंग सेंसर से दोस्तों आप मैक्रो मोड के अंदर वीडियो क्वालिटी भी ले सकते हो। इसके अंदर दोस्तों आपको मैक्रो मोड का भी ऑप्शन मिलता है, व्लॉगिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है, फुल HD के अंदर आप वीडियो शूट कर सकते हो, 4K के अंदर वीडियो शूट कर सकते हो। जब भी आप वीडियो शूट कर सकते हो दोस्तों पोको के F2 के अंदर, इसके अंदर आपको जो
इंटरनल माइक स्पीकर दिया हो दोस्तों, उसकी क्वालिटी कॉल क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही अच्छी तरह से वॉइस रिकॉर्डिंग भी ये कर लेता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये बजट है, अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है एक बजट कैटेगरी के अंदर, तो पोको X2 आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा। जैसे कि रियलमी X2 के अंदर आपको दोस्तों फोटो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी मिलती है, पर उसके अंदर आपको सैमसंग का IMX सेंसर मिलता है, जबकि पोको X2 के अंदर दोस्तों सोनी का IMX सेंसर आपको मिल जाता है। अब दोनों के सेंसर की बात करें दोस्तों, तो कम प्राइस रेंज के अंदर आपको सैमसंग के सेंसर्स मिलते हैं दोस्तों, जबकि थोड़ा प्राइस हाई होता है तो उसके अंदर आपको सोनी के सेंसर्स मिलते हैं। जबकि जो भी रेडमी नोट 9 प्रो में दोस्तों सैमसंग का सेंसर लगाया गया है, जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है, जबकि पोको X2 के अंदर आपको सोनी का IMX सेंसर दिया गया है। दोस्तों मेरी ओपिनियन की बात करूँ, सैमसंग का सेंसर सोनी के सेंसर से कुछ पीछे हो जाता है, क्योंकि सोनी के अंदर आपको कालजाइस लेंस का ऑप्शन मिल जाता है। जबकि सोनी की बात आती है दोस्तों, तो सोनी एक फोटोग्राफी के अंदर बहुत ही अच्छा माना जाता है, जैसे कि उसके कैमरे भी फोटोग्राफी के अंदर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप कोई भी स्मार्टफोन लें जिसके अंदर सोनी का सेंसर हो दोस्तों, उसी स्मार्टफोन को लीजिए, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, पिक्चर में डिटेलिंग अच्छी मिलेगी दोस्तों, कलर टोन आपको अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर ही आपको मूवी मोड का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों मूवी मोड की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे सिनेमेटिक शॉट आप ले सकते हो, मैक्रो मोड के अंदर दोस्तों आप DSLR टाइप की वीडियो शूटिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। तो बस लास्ट बट द लिस्ट मेरा ओपिनियन बताऊँगा इस फ़ोन के बारे में, अगर आपका बजट लगभग में 15 से 20 हज़ार रुपये है, अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है और एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है दोस्तों, तो पोको X2 का आप जरूर ले सकते हो। मेरा ओपिनियन यही रहेगा दोस्तों कि अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो आप पोको X2 को जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पोको X2 के रिगार्डिंग में, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी के क्वेश्चन के अंदर पूरे डीपली एंड क्लियरली दे दूँगा। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने यूट्यूब में जाकर गिकी रिकी को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो पोको X2 के रिगार्डिंग में आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपके कॉमन क्वेश्चन के आंसर पूरे डीपली एंड क्लियरली देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।